पहला क्वेश्चन मेरे पास कल के टॉपिक के हवाले से वो ये था कि फॉर वट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर वट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ कुछ भी हो सकता है हाफ हो सकता है डबल हो सकता है थ्री टाइम्स होता है हो सकता है एज कंपेयर टू और जिस टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये बात मैंने की वो ये था एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो डिग्री सेल्सियस अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने टम्परेचर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस टम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू जीरो डिग्री सेल्सियस अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वी वन है ये वो स्पीड है जो जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो ये कितनी होती है डबल थ्री टू मीटर पर सेकेंड और लाजमी नहीं कि वैल्यू पुट करें आप इसकी जगह सिंपल कह सकते हैं कि ये वी नॉट है अब टेम्परेचर को कैलवन में कन्वर्ट करेंगे तो टू सेवेंटी थ्री कैलवन अब हमने टी टू कैलकुलेट करना है इसको मैं टी कह देता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है वो वी वन के कम्पेरिजन में हाफ हो गई है मतलब वी नॉट बाय टू हो गई है तो मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास कंपेरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमने यूज करना है फार्मूला वी वन ओवर वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन ओवर टी टू और स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला जब भी आप यूज करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो Kelvin में में होनी चाहिए। तो में हमने कन्वर्ट कर लिया अब जो हमारा कैलकुलेट करना है टी टू को वी नॉट वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा टू न्यूमरेटर में चला गया तो ये आ गया टू इज एकवल टू अंडर उवेंटी थ्री ओवर टी अब यहाँ पर टी रिक्वाड है हम स्केर ले लेंगे जब स्केयर लेंगे तो यह आएगा फोर इज इक्वल टू टू सेवनटी थ्री ओवर टी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेम्परेचर इज इक्वल टू टू सेवनटी थ्री डिवाइड बाई फोर कैलवन ये हमारा आंसर है अब एक्जैक्ट अगर आपको आंसर चाहिए इसको सॉल्व करें अब आप जानते हैं कि हमारे पास फोर इन टू सिक्स ट्वेंटी फोर होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर हमारे पास आएगा थर्टी थ्री तो फोर इंटू एट क्या है थर्टी टू तो इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसका आंसर क्या होगा सिक्सटी एट और अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो क्या करेंगे सेल्सियस में फाइंड करने के लिए सिक्सटी एट में से टू सेवेंटी थ्री सेप्टेड कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव टू जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस आएगा अब ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है और ये क्वेश्चन दो जगहों पर आपसे पूछा जाएगा ऐसा एक तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक में और इसके अलावा ये पूछा जाएगा चैप्टर इलेवन में रूट मीन केयर वैल्यू कि किस टेम्परेचर के ऊपर रूट मीन केयर वैल्यू गैस की हाफ हो जाती है डबल हो जाती है तो इन दोनों केसेज में मैं आपको यहाँ शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका शॉर्टकट क्या होगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकें तो शॉर्टकट हमारे पास है हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर उसको मैं कह देता हूँ टी डैश दैट इज इक्वल टू एन स्केयर टाइम्स टी जो टेम्परेचर गिवन होगा हमारे पास वो फैक्टर है जिससे स्पीड को कंपेयर किया जा रहा है ये एन हमारा डबल भी हो सकता है एन हाफ भी हो सकता है और एन इवन टेन टाइम्स भी हो सकता है अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि हमारी जो स्पीड है वो हाफ हो रही है इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है वन बाय टू तो मैं अगर इस शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास अगर स्पीड की वैल्यू हाफ हो रही है तो दैट मीन्स एन को मैं वन बाई टू सबसे च्यूट तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन बाई टू का स्केयर और टेम्परेचर क्या है टू सेवनटी थ्री तो वही जो सोलूशन से आंसर आया वही यहाँ से आंसर आपके पास आया कि टू का स्केयर फोर तो टू सेवेंटी थ्री को डिवाइड करेंगे फोर से सिक्सटी एट के हमारा आंसर आ जाएगा तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपके पास स्पीड एन टाइम्स हो जाए तो टेम्परेचर अगर फाइंड करना है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो एन स्केयर इंटू टी हो जाएगा ये शॉर्टकट है उस फार्मूला से रिलेटेड जो हमने ऊपर सॉल्व किया इसको आपने याद रखना और एक यहां पर ये शॉर्टकट यूज होगा और इसके अलावा यूज होगा रूट वेलोसिटी फॉर गैसेस अब नेक्स्ट जो मेरा सवाल था आपसे वो क्या था क्वेश्चन ये था फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कि अगर टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज करेगी स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय डैश परसेंट अब ऐसे केस में जहां टेम्परेचर सेल्सियस में है और आपने स्पीड को फाइंड करना है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस पॉइंट सिक्स वन इंटू टी फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस वी नॉट को वी नॉट रखता हूँ टेम्परेचर कितना पुट करेंगे टेम्परेचर हम पुट करेंगे यहाँ पर वन और सेल्सियस में तो मेरे पास स्पीड कितनी इंक्रीज कर रही है पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि स्पीड कितनी इंक्रीज कर रही है मेरा जो क्वेश्चन आपसे था कि कितने परसेंट इंक्रीज़ आ रहा है अगर तो वैल्यू पूछे तो फिर पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड है या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये 61 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से तो ये जो वैल्यू हमारे पास है 0.61 का जो इंक्रीज आ रहा है वैल्यू के अंदर आपने इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 0.61 सिक्स वन इन तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो तो सिक्सटीट आएगा तो फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाई सिक्सटी क्योंकि पॉइंट जो वैल्यू हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बात करोगे कि सिक्सटी वन परसेंट यह वैल्यू है यह डिफरेंस के अकॉर्डिंग आ रही है ठीक है नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन एक और आपसे था वो क्या था वो क्वेश्चन मेरे पास आपसे ये था कि हमारे पास जीरो केल्विन जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं जीरो कैलवन या एप्सल्यूट जीरो इस एप्सिल्यूट जीरो के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है और मैंने यहां पर्टिकुलरली बात की थी कि हमारे पास थ्रेटिकल वैल्यू आपने बतानी है कौन सी वैल्यू बतानी है थ्रेटिकल वैल्यू अब थ्रेडिकल वैल्यू अगर बतानी है तो इसका मतलब आप फार्मूला को यूज़ करेंगे वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस पॉइंट सिक्स वन इन टू टी अब वी नॉट की वैल्यू डबल थ्री टू है और हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कितना है टेम्परेचर जीरो केल्विन पे होता है माइनस टू सेवनटी थ्री क्योंकि ये टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैं इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो स्पीड ऑफ साउंड जीरो है उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ आता है यानी अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जो आती है वो वन डबल सिक्स मीटर पर सेकेंड आती है ये थेटिकल इसकी वैल्यू है तो प्रैक्टिकल अगर आंसर की बात करें तो याद रखिएगा कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जीरो कैलवन को अचीव नहीं किया जा सकता तो रियल लाइफ में जब जीरो कैलवन को अचीव नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये होगा कि ज़ीरो कैलवन के ऊपर एक फेंड साउंड अवेलेबल होगा इसका मतलब साउंड ट्रैवल करेगा लेकिन हम लेबॉर्ट्री में ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं और जिस सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली exactly लेबॉर्ट्री में ज़ीरो कैलवन अचीव हो गया तो जब जीरो कैलवन अचीव होगा मोशन सीज हो जाएगी जब डिस्टर्बेंस ही क्रिएट नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर किसी भी तरह का साउंड ट्रांसफ़र नहीं होता तो जब भी एग्जामिनर हमसे ये सवाल पूछता है तो वो आपको बताता है कि थोरेटिकल वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है तो आपने उसके मुताबिक उसका आंसर देना होता है, ठीक है तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है तो एक और चीज जो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है और मैंने वो करेक्शन मेंशन भी कर दी थी वीडियो में कल एक स्टूडेंट ने सवाल से पूछा था कि हमारे पास जो वेव होती है उस वेव में क्या मोमेंटम ट्रांसफर होता है या नहीं होता तो याद रखिएगा कि वेव के अंदर हमारे पास अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है चाहे हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चाहे वो मैकेनिकल वेव है तो वेव के अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ें ट्रांसफर होती हैं और अगर हम बात करते हैं कि क्या चीज ट्रांसफर नहीं होती तो वो हमारे पास जो है वो मैटर मोमेंटम है मैटर बोल दें मैस बोल दें ठीक है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मैस ये ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही होती है और इसके अलावा मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है लेकिन पार्टिकल अपनी जगह से हिलते नहीं हैं आगे मूव नहीं करते अपनी जगह पर रह कर वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस वजह से वहां पर मैटर और मैस ये दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती एक और क्वेश्चन तो आप लोगों ने भी शायद ये क्वेश्चन देखा होगा डिफरेंट बुक्स के अंदर कि कई दफ़ा आपको ट्रांसफर वेव गिवन होती है और उस ट्रांसफर वेव से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है या उनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन वो क्या होगी मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ताकि वो एग्जैक्टली exactly मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन कुछ इस किस्म का था कहता था डायग्राम शोज अ ट्रांसफर वेव ऑन अ रोप एक रोप बनी हुई है और उस रोप के अंदर हमारे पास एक ट्रांसफर वेव को शो किया हुआ ये ट्रांसफर वेव है जो एक रोप में हमारे पास प्रेजेंट है और कहता है कि वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो वेव है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसफर हो रही है ये बताना जरूरी है कि वेव की प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में है अब क्वेश्चन ये पूछा गया इसके अंदर कि एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट Q है विच फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ एनी ऑफ द पॉइंट P एंड Q एट दिस इंस्टेंट कि इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल P और Q है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी कई दफ़ा ये पूछा जाता है कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है और कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है एक ही बात है तो चाहे आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएं या फिर यह कहा जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएं ऑफ पी एंड क्यू तो क्या तरीका होता है ट्रांसफर वेव के अंदर पार्टिकल्स की डायरेक्शन को फाइंड करने का बड़ा आसान सा तरीका है अगर वेव ट्रांसफर हो रही है लेफ्ट टू राइट तो आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट इस वेव को आगे प्रोपोगेट करवा देना तो जब लेफ्ट टू राइट आप इस वेव को आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करवाएंगे तो आप यहां पर एक न्यू वेव को ड्रॉ कर लेंगे और होता भी यही है कि हमारे पास जब किसी स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस होती है ट्रांसफर तो आप उसको अगर देखें स्लो मोशन के अंदर जो वेव होती है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही होती है अब जब ये आप चीज ड्रॉ कर लेंगे ना कि हमारे पास जो वेव है वो किस तरफ मूव कर रही है तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल की मोशन क्या है अब पार्टिकल की मोशन कैसे पता चली मैं स्टार्ट से बताता हूं जो पार्टिकल यहां पर थे ये व्हाइट वाले अब वो कहां चले गए डाउनवर्ड क्योंकि नई जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो से कहां हो रही है नीचे इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने पार्टिकल्स हैं इन तमाम की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड आगे चलो अब इन पॉइंट्स को देखें इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट वेव है वो इसके ऊपर है इसका मतलब यहां पर जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो कहां है अपवर्ड क्योंकि जब तक यहाँ पार्टिकल की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट वेव इसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं होगी आगे चले ये पार्टिकल्स हैं अब इन पार्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट वेव को देखेंगे जो लीडिंग है जो तो लीडिंग को अगर देखा जाए तो क्या लीडिंग इसके ऊपर है नीचे इसके नीचे इसका मतलब इन पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो कहां है वो डाउनवर्ड है एंड लास्ट अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो येलो इसके अबव है अगर येलो इसके अभाव है इसका मतलब इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड है तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप ट्रांसफर वेव में किसी भी वेव का अगर वेलोसिटी की या मोशन की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि हमारे पास अगर एक ट्रांसफर वेव है मैं एक छोटी सी वेव ड्रॉ कर लेता हूं आपको यह कहा जाता है कि बताएं ये जो पार्टिकल हमारा ए है और ये पार्टिकल बी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है आपने क्या करना है आपको बताएगा कि वेव कहां मूव कर रही है फर्स्ट करे मैं कहता हूं वेव मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर वेव लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो आप क्या करेंगे आप लेफ्ट टू राइट एक न्यू वेव ड्रॉ कर लेंगे इसी को थोड़ा आगे मूव करवा देंगे जब ये वेव थोड़ा आगे मूव करवा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इन पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है अब कैसे पता चला ये पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर रहे थे अब नेक्स्ट जो वेव प्रोड्यूस हुई येलो क्या वो इसके बिलो है अबव है बिलो इसका मतलब इस पॉइंट के पार्टिकल वाइब्रेट कहां कर रहे हैं डाउनवर्ड मूव कहां कर रहे हैं डाउनवर्ड तब भी ये नेक्स्ट वेव क्रिएट होगी इसी तरह से मैं अगर यहां पर इन पार्टिकल्स की बात करता हूं तो जो नेक्स्ट वेव क्रिएट हुई इसके अब क्रिएट हुई इसका मतलब यहां पर जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो क्या है अपवर्ड है तो ये सिंपल सा तरीका है किसी भी ट्रांसफर वेव के अंदर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को फाइंड करने का और अगर ये वेव मूव कर रही होती राइट टू लेफ्ट तो आप राइट टू लेफ्ट एक न्यू वेव बना देते तो राइट टू लेफ्ट जब एक न्यू वेव बनाएंगे वहां पर भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि क्या पार्टिकल्स हमारे पास जो मूव कर रहे हैं वो अपवर्ड कर रहे हैं या डाउनवर्ड कर रहे हैं आपको उनकी डायरेक्शन पता चल जाती है तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था पी और क्यू का तो अगर आप पी और क्यू को देखें तो पी कहाँ मूव कर रहा है डाउनवर्ड और क्यू जो है वो एस मूव नहीं कर रहा वो उसी लेवल पे रह रहा है इसका मतलब वो क्या होगा स्टेशनरी तो पी के बारे में क्या कहेंगे कि पी एट दैट इंस्टेंट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड क्यू एट दैट इंस्टेंट इज स्टेशनरी कैसे पता चलेगी सिंपल आपने न्यू वेव को ड्रॉ करना है जब न्यू वेव को ड्रॉ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो न्यू वेव के पार्टिकल हैं वो क्या नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं ये उस वक्त तक आप लोगों को चीज समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद ड्रॉ करके नहीं देखेंगे ये एक वेव है जो मैंने ड्रॉ की है ऑब्वियसली जिस सोर्स से ये प्रोड्यूस हो रही हैं वो इसी फ्रिक्वेंसी की नेक्स्ट वेव भी प्रोड्यूस करेगी और ये वेव प्रोपगेट कहां कर रही है टुवर्ड्स तो लेफ्ट तो हमें पता कैसे चलता है कि नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं आप करते क्या इसी वेव को आगे प्रोपोगेट कर देते हैं क्योंकि जब तक ये वेव आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगी नेक्स्ट वेव क्रिएट कैसे होगी तो आपने इसी वेव को पकड़ा और थोड़ा सा आगे ड्रा कर दिया अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रही है अगर ये वेव राइट की तरफ जा रही है अगर ये लेफ्ट की तरफ जाती अब लेफ्ट की तरफ ड्रॉ कर देते अब अगला काम क्या है जो पहली वेव थी उनके पार्टिकल्स को देखें कि नेक्स्ट वेव क्रिएट करने के लिए पार्टिकल कहां मूव करेगा वो पार्टिकल मूव करेगा डाउनवर्ड इसी तरह अगर यहां पर देखें येलो वेव प्रोड्यूस करने के लिए पार्टिकल कहां मूव करेंगे अपवर्ड तो ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो ये क्वेश्चन एक था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पास ऐसा चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता डायरेक्टली बुक के अंदर लेकिन कई बुक्स के अंदर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वेव को खुद ड्रॉ करें जब तक आप इस वेव को खुद ड्रॉ नहीं करेंगे आपको एक्जैक्टली exactly आइडिया नहीं होगा कि क्या पार्टिकल की मोशन अबव है या बिलो है तो यहां पर अगर मैं सबको ड्रॉ करता जाऊं तो आपको नजर आ जाएगा कि ब्लू टू येलो मूव करना है तो ब्लू टू येलो मूव करेंगे तो अपवर्ड और यहां ब्लू टू येलो मूव करेंगे तो कहां जाएंगे डाउनवर्ड जाएंगे अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन में वो पॉइंट मैं उसको बता दूं दोबारा जो स्पीड ऑफ साउंड वाला था कि फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ़ साउंड विल इंक्रीज़ बाय स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज करेगी कि बिल्कुल ये पॉइंट आप लोगों का ठीक है जो आप बता रहे हैं कि पॉइंट वन एट ये पॉइंट सिक्स वन है ये बेसिकली आपके पास ओवरऑल इंक्रीज़ है ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं है अगर मुझे यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़ को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा मेरे पास जितनी वैल्यू के अंदर चेंज आया है वो कितना है पॉइंट सिक्स वन उसको मैं ओरिजिनल से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूँगा हंड्रेड से तो फिर जाकर मुझे ये परसेंटेज वैल्यू पता चलेगी और अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ वो कितनी है तो पॉइंट सिक्स वन हंड्रेड या के पास आएगा सिक्सटी वन और ये डिवाइड किसे हो रहा है डबल थ्री टू तो अगर अप्रॉक्सीमेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिक्स इंटू फाइव थर्टी होता है तो हमारे पास ये जो रेशो आएगी ये आपके पास पॉइंट टू परसेंट इसके करीब करीब आती है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि अगर तो सिर्फ चेंज पूछे कि चेंज कितना है तो फिर हमारा आंसर पॉइंट वन का चेंज है अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछे तो जितना चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से और मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से इसको आप लोगों ने अगर सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू राउंड अबाउट जो आपके पास आएगी वो पॉइंट टू परसेंट अप्रोक्सीमेटली आएगी चले अब बात हम करते हैं आज जो टॉपिक हमारे हैं दोनों इंपॉर्टेंट है एक स्टेशनरी वेव का और एक डॉपलर्स इफेक्ट का स्टेशनरी वेव में हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती क्यों इनको नॉन प्रोग्रेसिव वेव का नाम दिया जाता है लेकिन स्टेशनरी वेव को नॉन प्रोग्रेसिव कहने की वजह यह कि ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते है। और एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं करते है? क्योंकि स्टेशनरी वेव की अगर हम कंडीशन को देखें तो उसकी कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन ये है कि एक लाइन में दो वेव हमारे पास ट्रांसफर हो रही हों जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट हो अब अगर इन दोनों का एम्प्लीटूड हमारे पास सेम है अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है इसका मतलब ये जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो इक्वल कैरी कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ओवरऑल जो एनर्जी हमारे पास चेंज आएगा वो कितना आएगा जीरो आएगा लेकिन इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड वेव्स होती हैं वो एनर्जी कैरियर होती हैं जैसे गिटार की स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करवाते हैं तो गिटार की स्ट्रिंग के अंदर तो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई लेकिन उनकी वाइब्रेट करने की वजह से जो एयर कंप्रेस और हमारे पास एक्सपेंड हो रही है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड है और साउंड क्या है साउंड प्रोग्रेसिव वेव है इसी तरह बांसुरी की बात करें बांसुरी हो या हमारे पास शहनाई हो ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो एयर कॉलम की एग्जाम्पल में आते हैं वहां पर भी ऐसा ही है उ, उस एयर कॉलम के अंदर जो वेव है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है उसमें तो नेट एनर्जी कैंसल आउट हो रही है लेकिन उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा हम उसको स्टेशनरी नहीं बोलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव है और वो एनर्जी को कैरी करती है तो स्टेशनरी वेव को हम नॉन प्रोग्रेसिव स्टैंडिंग वेव ये तमाम नाम कहने की वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो वेव है वो मूव कर रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में और इनकी जो एनर्जी हमारे पास होती है वो इक्वल होती है तो ओवरऑल जो नेट चेंज आ रहा होता है वो कितना आ रहा होता है वो ज़ीरो आ रहा होता है अब स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव हम इनको कहते हैं कि दीज आर नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स मजीद अगर क्लियर करें तो ये नॉन प्रोग्रेसिव मकैनिकल वेव है स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे होती है कंडीशंस क्या हैं स्टेशनरी वेव की नंबर वन कंडीशन पहली कंडीशन ये कि हमारे पास दो सिमिलर वेव्स होनी चाहिए अब टू सिमिलर वेव्स हमने जब कल बात की थी तो हमने ये कहा था कि इनमें क्या क्या फैक्टर सेम होने चाहिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और इसके अलावा एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए ये तीनों चीजें अगर हमारे पास सेम होंगी तब जाके स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा इंटरफेरेंस तो हो सकती है मूव करनी चाहिए लेकिन उनकी जो लाइन हो प्रोबोगेशन की वो क्या हो सेम हो जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपको दी कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो इस लाइन के अंदर दो वेव्स मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जब ये सुपर पोज करेंगी तो यहां पर प्रोड्यूस क्या होंगी यहां पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी इन दो कंडीशंस के अलावा एक थर्ड कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो ये कि हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती मतलब अगर मैं इन कंडीशंस को फुलफिल कर भी लेता हूं तो कहीं हमारे पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही होती तो रीजन क्या है रीजन ये कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रीकवेंसी और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है फिक्स और इन डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम नाम क्या दे रहे होते हैं हम नाम देते हैं हारमोनिक्स का एफ वन एफ टू टाइम्स एफ वन थ्री एफ वन ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये हारमोनिक्स है कभी आपने नहीं सुना होगा कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वन पॉइंट पे स्टेशनरी वे प्रोड्यूस हो क्योंकि वो हारमोनिक की वैल्यू नहीं है हारमोनिक्स फिक्स फ्रीक्वेंसीज को बोला जाता है ये टूनस होती हैं जैसे टोन और ओवर टोन कहते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बेसिक टोन है और उसके अलावा जो बाकी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर कॉल्ड ओवर टोन्स जो टोन के अलावा फ्रीक्वेंसीज होंगी जिन पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है और आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं या तो नंबर होते हैं कॉन्टिन्यूस या होते हैं डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस नंबर होता है 1, 1 .1, 1 1 से चलता जाएगा जो डिस्क्रीट होगा वो जम करेगा फिक्स वैल्यू पे 1, 2, 3, या वन थ्री फाइव सेवन या प्राइम नंबर वन थ्री हमारे पास इसी तरह से ये नंबर आगे चलते जा रहे होते हैं तो डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन फिक्स फ्रीक्वेंसीज और इनके अलावा स्टेशनरी वेव या उनमें रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट स्टेशनरी वेव के पार्ट्स अगर हम स्टेशनरी वेव के पार्ट्स की बात करें तो जब ये वेव सुपर पोज करती हैं तो कुछ पॉइंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर सुपर पोजिशन की वजह से हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है वो पॉइंट स्टेशनरी वेव का जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है उन्हें कहा जाता है नोड्स और वो पॉइंट वेव का जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उन्हें क्या कहा जाता है एंटी नोड्स अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेन कहां मैक्सिमम होती है क्या नोड्स में स्ट्रेन मैक्सिमम होती है या हमारे पास एंटी नोड्स में मैक्सिमम होती है तो याद रखें कि जो नोड होते हैं इनके ऊपर प्रेशर का ओवरऑल चेंज या इसको स्ट्रेस कह सकते हो ये मैक्सिमम होता है और स्ट्रेस का और स्ट्रेन का डायरेक्ट लेशन है तो प्रेशर का अगर ओवरऑल चेंज मैक्सिमम तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेन होगी वो मैक्सिमम होगी जबकि एंटी नोड जो होते हैं इनमें जो ओवरऑल आपका जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो मिनिमम होता है यानी स्ट्रेस मिनिमम होती है इनकी वजह से अगर स्ट्रेस मिनिमम है तो स्ट्रेन भी क्या होगी वो मिनिमम होगी और अगर आप इस चीज़ को देखना चाहो ये बात कहां से हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और यहां पर कांस्टेंट क्या चीज़ होती है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और ये जो मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी है ये उस मीडियम की है जिस मीडियम के अंदर वो वेव प्रोपगेट कर रही है तो वो तो कॉन्स्टेंट है अनलेस हम टेम्परेचर को चेंज ना करें इसका मतलब जिस पॉइंट पे स्ट्रेस या प्रेशर का चेंज ज़्यादा होगा वहां स्ट्रेन भी ज़्यादा होगी तो वो कहां ज्यादा है नोट्स पे तो नोट्स पे प्रेशर का चेंज ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा इस वजह से स्ट्रेन भी ज्यादा होती है अब नोड और एंटी नोड्स जो क्रिएट होते हैं अगर हम इनको देखें कि इनमें डिस्टेंस कितना होता है तो हमारे पास ये एक वेव है और जब इस तरह की एक और वेव से ये सुपरपोज करेगी तो हमारे पास प्रोड्यूस होती है स्टेशनरी वेव तो ये ओवरऑल स्टेशनरी वेव के लूप्स बनते हैं अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये यह एक वेव है तो इसकी लेंथ कितनी होती है लेमडा तो यही हमारे पास स्टेशनरी वेव के अंदर भी लेमडा की वैल्यू है कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं जहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो दीज आर नोड्स और इनके दरम्यान अगर आप देखें तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो क्या है मैक्सिमम तो ये क्या है एंटी नोड्स तो अब यहां पर क्या कहेंगे वट इज लेमडा क्या लेमडा Alternate नोड्स का डिस्टेंस है या कंजेक्टिव नोड्स का डिस्टेंस है तो हम यहां पर कहेंगे कि अगर हमारे पास alternate नोड्स हो या alternate एंटी nodes हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा लेमडा होगा alternate. और अगर आपको कहा जाए कंजेक्टिव तो आप देख सकते हैं चाहे कंजेक्टिव नोड्स हो या आपके पास कंजेक्टिव एंटी नोड्स हों कंजेक्टिव नोड्स हैं, ये कंजेक्टिव एंटी नोड्स हैं, तो ये आधी वेव है और अगर यह आधी वेव होगी तो हमारे पास इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो लेमडा बाय टू होगा आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि दो कंप्लीट अगर लूप होंगे तो लेमडा अगर एक लूप होगा तो लेमडा बाई टू और अगर आधा लूप हो अब आधे लूप से क्या मुराद है एक नोड और एक एंटी नोड तो डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड एंड एंटी नोड अगर हमसे पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है वो हाफ लूप है तो वो लेमडा बाय टू का हाफ कितना होगा लेमडा बाय फोर क्लियर तो ये हमारे पास आ जाता है एंटी नोड्स और नोड्स का डिस्टेंस कैफ मिर्जा ये डिस्टेंस है और अगर हम बात करते हैं कि वो पार्टिकल जो सेम फेज में है तो हमारे पास वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं अब उनको देखेंगे कि कंप्लीट एक वेव के बाद जो नई वेव क्रिएट होती है तो हमारे पास जो अल्टरनेट नोड्स हैं या अल्टरनेट एंटी नोड्स हैं वो ये बनेगा दो लूप बनेंगे और इसी तरह अगर हम बात करते हैं दो नोड्स या हमारे पास दो एंटी नोड्स तो वो एक तरह का एक लूप बनता है और ये जो एक लूप बनेगा इसका जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो कितना आएगा वो हमारे पास लेमडा बाय टू आएगा बिल्कुल एनर्जी नोड के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है और अगर हम लेमडा बाई फोर की बात करेंगे तो वो कुछ इस किस्म का बनेगा आधा लूप एक नोड और एक एंटी नोड तो आप इनको लूप्स की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि दो अगर कंप्लीट हमारे पास लूप्स हैं तो लेमडा अगर हमारे पास एक लूप है तो लेमडा बाय टू अगर आधा लूप है तो वो लेमडा बाय फोर इसको अल्टरनेट नोड्स कंजेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स की तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं तो ये डिस्टेंस की बात हो गई कि नोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कहां पर क्या चीज होती है इसके अलावा अभी जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं तो एक चीज याद रखें कि जो फिक्स पॉइंट होते हैं जैसे स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया जाए जो फिक्स हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उन फिक्स पॉइंट्स के ऊपर हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है हमेशा नोट्स प्रोड्यूस होता है और क्यों नोट्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वहां पार्टिकल हमारे पास इजीली डिस्प्लेस नहीं कर सकते मूव नहीं कर सकते इसी तरह से हमारे पास फिक्स पॉइंट्स के अलावा जो ओपन एंडस होते हैं उन ओपन एंड्स के ऊपर भी अगर हम बात करें तो हमेशा क्या प्रोड्यूस हो, होगा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा क्योंकि वहां फ्रीडम ऑफ मोशन है तो जहां पर भी फ्रीडम ऑफ मोशन होगी कि पार्टिकल इजीली हमारे पास वाइब्रेट कर सकते हैं वहां पर क्या होगा वहां पर एंटी नोड प्रोड्यूस होगा और जहां फ्रीडम ऑफ मोशन हमारे पास नहीं होती वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है वहां पर हमेशा हमारे पास नोड्स प्रोड्यूस होते हैं एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपको दूँ जो हम आगे डिस्कस भी करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है अगर उस स्ट्रिंग के दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए और स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करें तो इन फिक्स पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा नोड प्रोड्यूस होगा अगर हम बात करते हैं दो एंड्स ओपन है एक एयर कॉलम के तो ये जो एयर कॉलम हमारे पास होगा इसके ओपन एंड्स के ऊपर हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है एंटी नोड क्योंकि पार्टिकल में फ्रीडम ऑफ मोशन होती है अगर पार्टिकल में फ्रीडम ऑफ मोशन होगी तो यहां पर हमेशा क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है एंटी नोट और जहां फ्रीडम नहीं है वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा नोट और अगर एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो तब हम क्या चीज देखेंगे कि यहां पर पार्टिकल में फ्रीडम ऑफ मोशन है ये फिक्स है यहां नहीं है इस वजह से यहां पर प्रोड्यूस होता है एंटी नोड और यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है नोड तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि जब आपसे स्टेशनरी वेव के हवाले से पूछा जाता है। अब और एक हमारे पास है वेव इन इस टॉपिक को मैं, हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं कर रहे हम उसके प्रूफ की तरफ जाएंगे हम उनके मेन रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे तो मैं इन टॉपिक्स को प्रेफर करता हूं कि हम लोग टेबल की फॉर्म में डिस्कस करें ताकि हमें एक कंपैरिजन पता चल जाता है कि हमारे पास इनका आपस में कंपैरिजन क्या है अब हम बात यहां पर करेंगे स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन के हवाले से कार्नेटिक एनर्जी प्रोसेस कहां करेंगे आप अगर स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन को देखते हैं तो स्टेशनरी वेव के अंदर हो क्या रहा होता है जो आपके पास वेव ये नजर आ रही होती है अगर मैं एक पर्टिकुलर वेव की बात करता हूं कि लेट से मेरे पास यहां पर हमें ये जो लूप नजर आ रहा होता है ये लूप किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ये पार्टिकल मीन से अपव जाएंगे तो अपवर्ड साइड पे हमारी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आती है और जब ये मीन से बिलो जाते हैं तो डाउनवर्ड साइड के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो मैक्सिमम आती है एट अ टाइम ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अवेलेबल हों जब पार्टिकल हमारे पास अपवर्ड डिस्प्लेस करेंगे उसके बाद ये मीन को क्रॉस करके डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेंगे फिर दोबारा मीन पर आएंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर जो एंटी नोड्स हमारे पास होते हैं वहां पर हम कहते हैं कि उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है इस वजह से वहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है और मेन पॉइंट के ऊपर हम ये कहते हैं कि जब वो एंटी नोड वाले पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वहां पर उनकी कानैटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है नोड तो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे अगर नोड डिस्प्लेस नहीं कर रहे तो वहां पर तो पोटेंशियल और कानीटिक एनर्जी की बात नहीं होती वहां तो हमारे पास ओवरऑल जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की बात करते हैं ये क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि एनर्जी इज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बिटवीन तो एनर्जी टू नोड्स वो नोड्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है क्योंकि नोड के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपवर्ड और वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं डाउनवर्ड अब हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन अ अट्रेच स्ट्रिंग स्ट्रेस ट्रिंग के अंदर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, हम इनको नाम देते हैं कि ये कौन सी वेव होती हैं दीज़ आर ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स स्टेशनरी स्टेशनरी वेव्स। ये वेव होती हैं लेकिन अगर इन स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की वजह से हमारे पास ये ट्रांसफर स्टेशनरी वेव साउंड को प्रोड्यूस करेंगी तो वो साउंड हमारे पास ट्रांसफर नहीं होंगी वो क्या होंगी वो ऑब्वियसली हमारे पास लॉन्गीच्यूडनल स्टेशन हमारे पास वेव्स वेवेंगे तो स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसफर स्टेशन वेव होती है और उनके वाइब्रेट करने से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो साउंड क्या होगा वो ऑब्वियसली लॉन्गीच्यूडनल होगा और वो क्या होगा प्रोग्रेसिव होगा मैं अगर सात दिन के लिखना चाहूं तो कह सकता हूं कि ये ट्रांसफर वेव होगा बट नॉन प्रोग्रेसिव होगा और जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गीच्यूडनल भी होगा और उसके अलावा वो प्रोग्रेसिव भी होगा अब स्ट्रिंग के केस हमें पता होने चाहिए कि हमारे पास जब स्ट्रिंग जो दोनों एंड से फिक्स हो जिसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस की हो मतलब उसको हमने टाइटली अटैच किया हो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम उस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब करने की वजह से उस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनी वे प्रोड्यूस होती हैं जिनको फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हारमोनिक कहा जाता है तो जब हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो ये ना सोचिएगा कि स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने से वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पर एक सीरीज ऑफ हारमोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अब सीरीज ऑफ हारमोनिक जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एफ वन टू एफ वन थ्री एफ वन फोर एफ वन ये तमाम तरह की स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं। फर्क ये होता है कि हर जो वेव होती है वो रेजोनेट नहीं करती मतलब हर एक स्टेशनरी वेव हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर रखती है वो हमें लाउड साउंड की फॉर्म में सुनाई नहीं देती अनलेस हमारी फ्रीक्वेंसी उसे मैच ना करे अब जब बांसुरी को बजाते हैं तो बांसुरी को बजाते हुए वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा होता वहां सीरीज ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और जब वो फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाती हैं जैसे आप रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाकर वो पर्टिकुलर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लाउडनेस इंक्रीज कर जाती है यानी जब मैं स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करता हूं, तो स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने से हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर सीरीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स या डिफरेंट की प्रोडक्शन की बात करेंगे अब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है स्टेशनरी वेव के अंदर मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो फर्स्ट हारमोनिक होगा और बाकी उसी के क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे वो क्या होगा तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पॉइंट हमारे फिक्स फिक्स होते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है नोड इसका मतलब चाहे फर्स्ट हारमोनिक है चाहे सेकेंड हारमोनिक है चाहे थर्ड हारमोनिक है इन तमाम केसेस के अंदर हमारे पास फिक्स एंड्स पे नोड प्रोड्यूस होगा तो मिनिमम पॉसिबल जो स्टेशनरी वेव क्रिएट होती है स्ट्रिंग के अंदर वो आप एक लूप की फॉर्म में कह सकते हैं यानी दो नोट प्रोड्यूस होंगे अगर दो नोट्स प्रोड्यूस होंगे तो उनके दरमियान क्या चीज बस्ट है एंटी नोड। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी यानी नेक्स्ट हार्मोनिक होगा वो क्या होगा नेक्स्ट स्टेशनरी वेव जो भी क्रिएट होती है याद रखिएगा उसमें एक नोड और एक एंटी नोड ऐड हो जाता है जब भी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी मतलब अगर मैं कहता हूं ये पहली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई और इस पहली स्टेशनरी वेव को हम नाम देते हैं फर्स्ट हारमोनिक का फर्स्ट हारमोनिक के अलावा इसको नाम दिया जाता है बेसिक का और बेसिक टून के अलावा इसको नाम दिया जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये तमाम जो है ये इस स्टेशनरी वेव के लिए हमारे पास नाम है और इनको रिप्रेजेंट किसे करते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है F1 से इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो चाहे एयर कॉलम हो या पाइप हो पाइप हमारे पास है या स्ट्रेंग है एक नोड बढ़ेगा और एक एंटी नोड बढ़ेगा तो पहले केस में कितने नोड हैं दो कितने एंटी नोड है वन। अब केस में तीन नोड होंगे और हमारे पास दो एंटी नोड होंगे इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर नोड प्रोड्यूस होगा और इन नोड्स के दरम्यान क्या प्रोड्यूस होंगे एंटी नोड्स अब अगर आप यहां काउंट करें पहले केस में दो नोड थे एक एंटी नोड था एक नोड और एक एंटी नोड इंक्रीज हो गया अब कितने नोड्स हैं? थ्री और थ्री नोड्स के अलावा यहां पर कितने एंटी नोड्स हैं? टू इसको क्या कहा जाता है जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है हमारे पास उसी स्ट्रिंग के अंदर उसी टाइम के ऊपर उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है कि वो सेकंड हार्मोनिक है और सेकंड हारमोनिक के अलावा उसका नाम क्या होता है वो फर्स्ट ओवर होता है अब क्या है टून इज द फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कि के बाद आने वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ओवर कहा जाता है क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेशनरी वेव को नाम क्या दे दिया था बेसिक टून का तो बेसिक टून के बाद जो आपके पास टून आएगी उसे आप क्या नाम दोगे आप उसको फर्स्ट ओवर टून का नाम दोगे सेकेंड हारमोनिक का नाम दोगे और उसको क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा एफ टू तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो थर्ड हारमोनिक है उस थर्ड हारमोनिक में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स होंगे आप फिर क्या करेंगे एक नोड और एक एंटी नोड बढ़ा देंगे इक्वल स्पेसिंग के ऊपर तो अब यहां पर क्या होगा पहले तीन नोड से अब यहां पर चार नोड प्रोड्यूस हो जाएंगे पहले दो एंटी नोड थे अब यहां पर तीन एंटी नोड प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये होगी हमारी नेक्स्ट स्टेशनी वेव और इस नेक्स्ट स्टेशनी वेव का नाम क्या होता है इस नेक्स्ट स्टेशनी वेव का नाम होता है थर्ड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक के अलावा इसको कहा जाता है कि ये सेकंड ओवरटोन तो ओवरटून आपके पास हमेशा हार्मोनिक से एक कम है इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैंने थर्ड हार्मोन ओवरटून फाइंड करना है तो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या होगा एन माइनस वन एन क्या है एन हारमोनिक है तो हारमोनिक से एक माइनस कर देंगे वन तो ओवरटोन की वैल्यू आ जाएगी और थर्ड हारमोनिक और सेकेंड ओवरटोन को क्या लिखा जाता है एफ थ्री लिखा जाता है अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती कैसे है तो जो चीज यहां पर हमारे पास फिनिना है वो सुपर पोजिशन तो है लेकिन सुपर पोजिशन के अलावा हमारे पास स्टेशनरी वेव कि जो प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होती है वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन दोनों की वजह से होती है क्योंकि तो जब आप सेंटर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस हमारे पास ट्रांसमिट होती है टूवर्ड्स लेफ्ट भी और वो ट्रांसमिट होती है टूवर्ड्स राइट right भी और फिक्स एंड क्या होगा डेंसर होगा याद रखिएगा जो क्लोज एंड्स होते हैं वो डेंसर होते हैं और जो फ्री एंड्स होते हैं वो रेयर मीडियम होते हैं पाइप में भी ऐसा ही है पाइप का अंदरूना हिस्सा जो है वो क्या है वो इनक्लोज है वो डेंसर है और जो ओपन एंड्स होंगे फ्री वो क्या होंगे वो रेयर होंगे तो यहां पर इन फिक्स एंड का मतलब क्या होगा डेंसर और डेंसर से जब वेव टकराती है तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है जब 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा यहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो कंडीशंस पूरी हो गई कि वेव क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है एक लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में और इनके सुपरपोज होने की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी तो ये चीज हमारे पास जो है ये स्टेशनरी वेव का कॉज है तो अगर कोई एमसीक्यू आता है कि स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस क्यों होती है तो आपका आंसर होना चाहिए एक तो सुपर पोजिशन ओ वेव और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव चाहे स्ट्रिंग हो और चाहे वो एयर कॉलम हो दोनों में इसी तरह से होता है बिल्कुल वो एफ टू है वो गलती से मैंने एफ थ्री लिख दिया था अब इसी तरह से हमारे पास ये सीरीज चलती जाती है और जब हम बात करते हैं एंथ हारमोनिक की तो का मतलब क्या होता है हार्मोनिक का दूसरा नाम होगा वो क्या होगा वो एन माइनस वन ओवर होगा क्या क्या एंथ हारमोनिक एन माइनस वन ओवर होगी नहीं हम उसको भी एन ओवर टून का नाम ही देंगे क्योंकि उसकी सीरीज अपनी है जो ओवर टून की है लेकिन जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा एन ओवर टून को तो कैसे किया जाएगा एन माइनस वन हारमोनिक तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एन माइनस वन है अगर वो एन माइनस वन है तो एन माइनस वन हारमोनिक है तो एनथ ओवर टून एन माइनस वन हारमोनिक से कैलकुलेट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि टेंथ ओवर टून करना है तो टेन माइनस वन आपके पास क्या होगा नाइन तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इसको हम किस तरह से लिखते हैं इसको हम लिखते हैं एफ एन से अब इनके फार्मूलाज क्या है? अब इनके फार्मुलास की जो डेरिवेशन है उसके लिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे स्टेशनरी वेव है आपको उसमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है अब वेवलेंथ को कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए कि हम किस तरह से यहां पर वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे आपको पता है कि हमारे पास एक जो लूप होता है या दो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है ये कितना होता है लेमडा बाई टू इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो हमारी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है लेमडा बाई टू के और अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी वेव क्या है फंडामेंटल तो वो टू एल के इक्वल होगी इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूं कि यहां पर भी मेरी जो लेंथ है वो एल है अब ये क्या है दो अल्टरनेट नोड्स हैं तो यहां पर लेंथ को मैं किसके इक्वल लिखूंगा लेमडा के इसका मतलब जो लेमडा टू होगा वो एल के इक्वल आएगा और अगर ये हमारे पास थर्ड हारमोनिक है तो यहां पर तीन आपकेमडा बाई, तो बाई टू तो लूप्स क्या तो यहां से अगर मैं लेमडा को लिखना चाहूं तो लेमडा किसके इक्वल आएगा वो टू एल बाय थ्री के इक्वल आएगा तो जिस तरह से हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी को हम इनको वेवलेंथ भी बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेशनी वेव उसकी वेवलेंथ लेमडा वन जो सेकेंड हारमोनिक है लेमडा टू जो थर्ड हारमोनिक है लेमडा थ्री इनकी सीरीज भी चल रही है टू एल एल टू एल बाय थ्री अब आप क्या कहेंगे क्या वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है जब नेक्स्ट स्टेशन वेव प्रोड्यूस होगी तो क्या वेवलेंथ बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है जब नेक्स्ट स्टेशन वेव हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है वेवलेंथ कम हो रही होती है और आप इसको देख सकते हैं कि पहले हमारे पास केस में जो लेंथ थी वो कितनी थी टू एल और अगली दफा लेंथ क्या हो गई है हाफ और वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से जो रिलेशन हमारे पास होता है वो इन्वर्स होता है दैट मींस अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हाफ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है डबल हो रही है रिपीट कर रहा हूँ अगर लेमडा वन टू एल था और हमारे पास लेमडा टू एल है तो लेमडा वन और लेमडा टू को कंपेयर करें तो लेमडा टू लेमडा एफ वन के मुकाबले में हाफ है तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन तो अगर वेवलेंथ हाफ तो फ्रीक्वेंसी डबल इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जो एफ टू है वो किसके इक्वल है वो टू टाइम्स एफ वन के इक्वल है अगर मैं इसी तरह थर्ड केस में चला जाऊं लेमडा थ्री कितना है टू एल बाय थ्री अब इसको लेमडा वन से कंपेयर करें तो क्या हमारी वेवलेंथ वन थर्ड हो गई तो अगर वेवलेंथ हमारी वन थर्ड हो गई तो हम क्या कहेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्री टाइम्स हो गई फंडामेंटल के मुकाबले में तो कंपेरिजन आपको इनका पता होना चाहिए कि जब भी आप नेक्स्ट हारमोनिक की बात कर रहे होते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास हारमोनिक होती है उस नेक्स्ट हारमोनिक की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी वो क्या हो रही होगी वो इंक्रीज हो रही होगी लेकिन एक सीरीज में डिस्क्रीट वैल्यूज की फॉर्म में अब एफ वन किसके इक्वल है

अंडर रूट ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग ओवर पर यूनिट लेंथ और यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग की टेंशन को चेंज करें तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी यस क्योंकि टेंशन के अंडर रूट के साथ फंडामेंटल का रिलेशन क्या है डायरेक्ट है अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करें तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी यस yes. क्या रिलेशन है इनवर्स और क्या हम लीनियर मैस डेंसिटी को चेंज करें तो फंडामेंटल चेंज होगी यस क्या रिलेशन है इनवर्स अंडर रूट के साथ तो मीन स्ट्रिंग की टेंशन स्ट्रिंग की लीनियर मैस डेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की ओवरऑल थिकनेस को चेंज करें इसके अलावा स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करें इन तमाम फैक्टर्स के चेंज होने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग हो आप उस स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर दें ज़्यादा कर दें और दोनों को प्लग करें डिस्टर्ब करें आपकी साउंड डिफरेंट पिच की प्रोड्यूस होती है जितनी टेंशन ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ श्रिल होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जितनी हमारे पास जो टेंशन है वो कम हो जाएगी आवाज़ ग्रेव प्रोड्यूस होगी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होएगी वो कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पिच को कहते हैं तो पिच ज़्यादा श्रिलेंस ज़्यादा पिच कम श्रिलेंस कम ग्रेवेंस क्या होएगी वो ज्यादा हो जाएगी अब्दुल वाहिद मैंने कल बताया था एम क्या है एम लीनियर मैस डेंसिटी है मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग अब मैं साथ-साथ ये करता हूं कि मैं यहां पर वेवलेंथ को मेंशन भी करता जाता ताकि वेवलेंथ की सीरीज भी हमारे पास एक डेवलप हो जाए अगर मैं लैम्डा 1 को लिखना चाहूं तो मैं लैम्डा 1 को क्या लिखूंगा मैं लैम्डा 1 को लिखूंगा एल ओवर वन इसी तरह से मैं अगर 2 को लिखना चाहूं तो क्या 2 को मैं लिख सकता हूं टू एल ओवर टू तभी वो किसके इक्वल आएगा एल के और अगर थ्री लिखेंगे, तो लिखेंगे? लिखेंगे और वो टू एल ओवर थ्री हमारे पास कैसे आया लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ अब इनको अगर मैं लेमडा वन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या है अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो हमारी वेवलेंथ लेमडा वन के मुकाबले में हाफ है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम्स है तो हमारी वेवलेंथ लेमडा वन के मुकाबले में वन थर्ड है तो इसी तरह जब हम एंथ हारमोनिक की बात करेंगे तो एफ एन किसके इक्वल आएगा एफ एन इक्वल आएगा एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन या इसको लिखा जा सकता है एन टाइम्स वी ओवर टू या इसको लिखा जा सकता है एन ओवर टू अंडर रूट ऑफ टेंशन मैस पर यूनिट लेंथ और अगर मैं को लिखना चाहूं तो मैं को क्या लिखूंगा की नहीं बल्कि वेवलेंथ की भी पता होनी चाहिए और इन दोनों में अगर हम m की वैल्यू को लिखें कि N की वैल्यू क्या है, तो एन क्या होंगे एन हमारे पास होंगे नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री फोर सो ऑन और यहां से हमें क्या पता चला कि जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग के अंदर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं उस स्टेशनरी वेव के अंदर तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होते हैं तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि वहां पर इवन हारमोनिक भी होते हैं और इसके अलावा वहां पर ऑड हारमोनिक बी प्रेजेंट होते हैं। अगर लूप्स या सेगमेंट कैलकुलेट करने हो वो भी एन से अगर हम कहते हैं कि थर्ड हार्मोनिक है तो तीन लूप्स हैं। अगर एंथ हार्मोनिक है तो एन लूप्स हैं। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव का पहला केस हो गया जो स्ट्रिंग होगा इसमें नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होंगे अगर हमारे पास पहले केस में देखें तो दो नोड है एक एंटी नोड है दूसरे केस में देखें तो तीन नोड है दो एंटी नोड है तो स्ट्रिंग के केस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नोड होते हैं वो हमेशा एंटी नोड से ग्रेटर होते हैं और कितने ग्रेटर होते हैं वन अगर नोड हमारे पास कितने हैं अगर नोड हमारे पास टू हैं तो वहां पर एंटी नोड कितने होंगे वन तो मतलब इनका डिफरेंस होगा अगर हम कैलकुलेट करें तो वन का होगा स्ट्रिंग के केस में तो ये स्ट्रिंग के केस में सारी बात हो रही है तो ओवरऑल अब क्या चीज है जो आपको याद रखनी है इस पूरे टॉपिक में इस पूरे टॉपिक में जो चीज याद रखने वाली है वो क्या है अब मैं उसको अगर मेंशन यहां पर करूं तो वो ये है फार्मूलाज है जो हमने एंड में लिखे ये ओवरऑल इस पूरे टॉपिक की समरी है जो चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एंथ हार्मोनिक होगा तो एंथ हार्मोनिक का मतलब होगा एफ एन एन एफ वन और लेमडा एन का मतलब होगा लेमडा वन ओवर एन और जो लेमडा वन है उसकी वैल्यू क्या है टू एल और जो एफ वन है उसकी वैल्यू क्या है वी ओवर टू एल और एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू यहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं इसी तरह से ओवर की मैं बात कर लूँ जो ओवर हमारे पास होता है वो हमेशा हार्मोनिक से एक कम होता है ऊपर पॉइंट भी किसी ने कहा था कि हमारे पास एंथ ओवर तो एंथ ओवर टून एन माइनस वन हारमोनिक के इक्वल होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो हार्मोनिक है वो टेन है तो ओवर टून क्या होगा तो यहां पर आप टेन पुट करेंगे तो टेन माइनस वन नाइन्थ यानी टेंथ अगर हारमोनिक है तो ओवर टून कैसे कैलकुलेट होगा आप यहां टेन पुट करें तो टेन माइनस वन नाइन तो नाइन तो ओवर टून के इक्वल आएगा और हमारे फार्मूला के अंदर जो वैल्यू यूज होगी एन की वो क्या होगी क्या वो नाइन होगी या वो टेन होगी तो याद रखें यहां जो एन की वैल्यू है ये हार्मोनिक वाइज है यानी यहां पर एन की वैल्यू आप टेन पुट करेंगे फार्मूला में तो इस क्वेश्चन का ख्याल आप लोगों ने रखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जब आपसे की बात करें तो का मतलब टेंस वन ओवर टून तो वो के इक्वल आएगा जब हमारे पास स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं तो जब हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो उस टाइम पे उसमें तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब करने की वजह से वहाँ पर एट अ टाइम तमाम हारमोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं फर्क ये होता है कि उनकी लाउडनेस डिफरेंट होती है हमें सीरीज ऑफ हारमोनिक्स वहाँ पर नजर आते हैं ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर प्लग करेंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रोड्यूस होगा वहाँ पर फर्स्ट हारमोनिक सेकेंड हारमोनिक थर्ड हारमोनिक फोर्थ हारमोनिक ये सारे प्रेजेंट होते हैं अब जब रेजोनेंस क्रिएट करनी होती है ना कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी लाउड चाहिए उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं आप अपने पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस को चेंज करते हैं आप लोगों ने अगर किसी म्यूजिशियन को सतार बजाते देखा हो तो सतार के अंदर वो अपने फिंगर्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे रखता है और डिफरेंट पॉइंट्स पे जब अपनी फिंगर्स को रखता है तो उसको उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी और सेपरेट लाउडनेस सुनाई देती है ऐसा क्यों होता है बेसिकली ये जो आपके पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फिक्स है और इसमें एट अ टाइम तमाम हारमोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने थम को इन नोट्स पर रखता है और जब इन थम को इन नोट्स पर रखता है तो वो बेसिकली अपने फिंगर के वाइब्रेट होने की फ्रिक्वेंसी को उस हारमोनिक की फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहा होता है और जब उसे मैच कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो फ्रीकुनसी रेजोनेट करेगी और उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ कर जाती है तो ये जो चीज हम कहते हैं ना कि हमारे पास किस पोजिशन पे कौन सा लू प्रोड्यूस होगा इस चीज की बजाय हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में एट अ टाइम तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन किस हारमोनिक को रेजोनेट करना होता है उसके लिए हमें अपनी नोट की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है तो आप कोई वीडियो देखिएगा कि जहाँ सतार को बजाया जा रहा हो या गिटार को बजाया जा रहा हो तो फिंगर की पोजीशन किन पॉइंट्स पे आ रही होती है वो नोट्स पे आ रही होती है और जब वो नोड्स पे आ रही होती है तो उन पर्टिकुलर नोड्स पे आने की वजह से वो पर्टिकुलर जो हारमोनिक होता है वो रेजोनेट करता है और उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है और अगर आपकी फिंगर उस पर्टिकुलर नोड पर ना आए तो फिर क्या होता है हमारे पास वो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि रेजोनेंस क्रिएट नहीं होती क्योंकि रेजोनेंस के लिए फ्रिक्वेंसी का मैच होना जरूरी होता है हम ऑब्वियसली यहां पर इतनी डिटेल में बात नहीं करते लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे फिंगर के जो पॉइंट्स होते हैं स्ट्रिंग के केस में वो नोड वाइज चेंज हो रहे होते हैं और नोड वाइज चेंज होकर हम डिफरेंट हारमोनिक्स को रेजोनेट कर रहे होते हैं सेम काम आप बांसुरी में देखते हैं कि बांसुरी में जो ऊपर होल्स होते हैं वो बेसिकली एयर कॉलम की एग्जाम्पल है वहां पर उसकी पोजिशन को चेंज करके डिफरेंट नोड्स को रेजोनेट करवाया जा रहा होता है और डिफरेंट पिच की साउंड सुनाई देती है अगर आप में से किसी को गिटार बजाना जाना आता है तो आप इस पॉइंट को जानते हैं कि नोट्स होते हैं हर एक के और अगर वो नोट्स ना पता हो तो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता तो ये हो गया स्ट्रिंग का केस और ये स्ट्रिंग के फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट एयर कॉलम की तरफ अब स्टेशनरी वेव इन में दो चीजें आ जाती हैं इसको एयर कॉलम भी कह सकते हैं एयर पाइप भी कह सकते हैं इसमें दो केसेस हमारे पास क्या होते हैं एक हमारे पास केस होता है बोथ एंड्स ओपन का और एक केस हमारे पास होता है वन एंड ओपन का अब याद रखें कि हमारे पास जिस तरह स्ट्रिंग के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं एयर कॉलम में भी रिफ्लेक्शन की वजह से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है जो ये क्लोज हमारे पास एरिया होता है ये क्लोज एरिया और ये जो हमारे पास ओपन एरिया है इन दोनों के दरमियान जो सरफेस प्रेजेंट होती है ये मीडियम की तरह बिहेव करती है और मैंने पहले ही बताया था कि जो ओपन एंड होता है वो बिहेव करता है एज अ रेयर मीडियम और जो क्लोज एंड होता है वो बिहेव करता है एज अ डेंसर मीडियम हमारे जो फ्लूट्स होते हैं उन फ्लूट्स के अंदर होल होते हैं और वहां पर जब हम एयर को ब्लो करते हैं तो एयर के ब्लो करने की वजह से मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उस वजह से साउंड ट्रांसफर होगा दोनों एंड्स पर और इन दोनों मेम्ब्रेन से इन सर्फेसेस से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो इनके आपस में सुपर पोज करने की वजह से हमारे पास उस फ्लूड के अंदर उस एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो एयर कॉलम है उस एयर कॉलम में भी रिफ्लेक्शन कॉज होता है और सुपर पोजूशन कॉज होता है स्टेशनरी वेव का अब हमारी बुक में जब ये पॉइंट समझाया जाता है तो यूं समझाया जाता है कि दोनों एंड से आपके पास यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं और ट्यूनिंग फॉर्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वहां पर भी स्टेशनरी वेव की कंडीशंस पूरी होती हैं और इनके सुपर पोज करने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही होंगी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एयर कॉलम है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ये फ्लूट होता है पर्टिकुलरली यहाँ पर होल होता है और यहाँ से एयर को ब्लो किया जाता है और जब एयर को ब्लो करते हैं तो साउंड दोनों साइड पर ट्रांसफर होगा इन मेमब्रेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और सुपरपोज करने की वजह से स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन होती है यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पर भी फ्लूट के अंदर एट अ टाइम तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होते हैं फर्क ये होता है कि हर एक लाउड नहीं होता और लाउड प्रोड्यूस करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है वो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है पर्टिकुलर नोट्स पे पॉइंट रखने से तो तब जाकर एक लाउड साउंड सुनाई देता है अब ओपन एंड के, के केसेस क्या हैं सेम हमने जैसे स्ट्रिंग के पढ़े थे वही हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट हारमोनिक होगी या आप यह कह सकते हैं कि मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है हमारे पास स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन के लिए फंडामेंटल इसी तरह से जो सेकंड हार्मोनिक होगा और फिर जो थर्ड हार्मोनिक होगा अब इनमें स्ट्रिंग और इनमें एक जैसे रिजल्ट्स आते हैं रीजन क्या है रीजन यह है कि स्टेशनरी वेव जब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है तो वहां दो नोड्स और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है फंडामेंटल के केस में और पाइप के केस में जो फ्री एंड होते हैं वहां पर एंटी नोड प्रोड्यूस होता है और अगर दो एंटी नोड प्रोड्यूस होंगे तो अकेले एंटी नोड तो नहीं होंगे इन एंटी नोड्स के दरम्यान में कौन होगा नोड तो यहां पर अगर आप इस वेव को देखें जिसको फर्स्ट हारमोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस वेव कहा जाता है यहां पर दो हाफ लूप्स हैं और जब इन हाफ लूप्स की आप लेंथ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कहना पड़ेगा कि जो लेंथ ऑफ पाइप है वो किसके इक्वल है वो लेमडा बाई टू के इक्वल है और यही काम स्ट्रिंग में भी होता है वहाँ भी फर्स्ट स्टेशनी वेव में एल लेमडा बाई टू के इक्वल था और लेमडा किसके इक्वल था लेमडा के इक्वल था अब इसी पाइप में सेम टाइम पे जो नेक्स्ट हार्मोनिक होगा वो कैसा होगा फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा नेक्स्ट स्टेशनरी वेव में एक नोड और एक एंटी नोड बढ़ जाएगा तो पहले दो एंटी नोड है और एक नोड है अब यहां इक्वल डिस्टेंस के ऊपर तीन एंटी नोड हो जाएंगे और तीन एंटी नोड्स के दरमियान क्या होगा नोड तो अगर आप इस वेव की लेंथ को कैलकुलेट करें तो क्या ये कंप्लीट दो लूप बनते हैं अगर ये कंप्लीट दो लूप बनते हैं तो हम अब क्या कहेंगे हम कहेंगे कि अब हमारी जो लेंथ है वो लेमडा के इक्वल है यानी अब हमारी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में हाफ हो गई सेम रिजल्ट पाइप वाला और जब थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड के केस में मेरे पास अब चार नोड एंटीनोड होंगे और चार एंटी नोड के अलावा यहां टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे थ्री तो ये काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री।, थ्री थ्री एंटी नोड्स एंड वन टू थ्री एंड फोर नोट एंटीनोड्स और यहां पर अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ किसके इक्वल है यहां पर तीन आधे लूप हैं तो थ्री लेमडा बाई टू और यहां पर लेमडा किसके इक्वल आएगा सेम रिजल्ट टू एल थ्री के तो पाइप दोनों एंड से ओपन हो या स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स हो इनके रिजल्ट्स एक जैसे होते हैं तो इनके नाम भी वही हैं जो पहली हमारे पास हारमोनिक होगी इसका नाम क्या होगा इसका एक नाम तो होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा इसको फंडामेंटल नोट भी कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा इसको बेसिक नोट भी कहा जाएगा और बेसिक नोट के अलावा इसको फर्स्ट हारमोनिक कहा जाएगा एफ वन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसका रिजल्ट भी वी ओवर टू एल के इक्वल आएगा और लेमडा वन की वैल्यू टू एल या टू एल बाई वन के इक्वल आएगी इसके बाद जो नेक्स्ट हारमोनिक उसी पाइप में प्रेजेंट होगा हमारे एयर के ब्लो करने की वजह से हम उसको नाम क्या देते हैं उसको नाम देते हैं सेकेंड हारमोनिक का और ओवरटून कैसे कैलकुलेट होती है हारमोनिक में से वन माइनस कर दें जब हारमोनिक तो में से वन माइनस करेंगे तो सेकेंड हारमोनिक में से वन माइनस किया तो ये क्या है ये फर्स्ट ओवर टून है और उसको लिखा जाएगा एफ टू तो फर्स्ट ओवर टून क्या है एफ टू और किसके इक्वल है ये टू एफ वन के इक्वल है क्यू टू एफ वन के इक्वल है? जिसको आप लेमडा वन ओवर टू भी लिख सकते हैं तो वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल और नेक्स्ट हार्मोनिक जो प्रेजेंट होगा उसे आप बोलोगे थर्ड हारमोनिकारे ओवर टून कहा जाता है और यहां पर इसकी वैल्यू f3 थ्री इक्वल होगी थ्री टाइम्स f1 के और लेमडा थ्री अगर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल है टू एल बाय थ्री के या इसको लिख सकते हैं लेमडा वन ओवर थ्री और इसी तरह से मूव करते हुए जब हम बात करेंगे एंथ की जो रिजल्ट हमें याद रखना है और एंथ हारमोनिक बोलेंगे और इसके अलावा इसको एंथ ओवर टून बोलेंगे और सेम इसका फार्मूला भी वही है जो ऊपर लिखा था कि एंथ ओवरटोन किसके इक्वल होगी ये एन माइनस वन हारमोनिक इक्वल होगी हारमोनिक में से वन माइनस करते हैं और ये होगा एफ एन क्वल टू एन एफ वन और एफ इक्वल होगा होगा के के और और किसके है है वो 2L over N के equal है. और यहां पर भी अगर हमसे पूछा जाए N क्या है तो N यहां भी वन टू थ्री एंड ऑन और यहां भी मैं सेम रिजल्ट लिखूंगा और वो रिजल्ट मेरे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा यहां रिजल्ट ये यह होगा कि हमारे पास जो ओपन पाइप होता है उस ओपन पाइप के अंदर भी तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होते हैं तमाम प्रेजेंट होते हैं। और तमाम हारमोनिक्स का मतलब यह होगा कि वहां पर इवन एंड ऑड ये दोनों तरह के हारमोनिक्स प्रेजेंट होंगे और एक पॉइंट बोला जाता है कि जो ओपन पाइप होता है जो ओपन पाइप होता है उसकी आवाज ज्यादा स्वीट होती है एज कंपेयर टू क्लोज क्यों क्योंकि हमारे पास उसके अंदर तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होंगे फ्रीक्वेंसी की ज्यादा रेंज प्रेजेंट होगी तो जितनी फ्रीक्वेंसी की ज्यादा रेंज हमारे पास प्रेजेंट होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि आवाज उतनी ज्यादा वराइटी की है और उतनी ज्यादा स्वीट है तो ओपन पाइप स्ट्रिंग दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं सिमिलर दोनों के अंदर तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट है इवन भी प्रेजेंट है और भी प्रेजेंट है और दोनों के लिए लेमडा वन टू एल के इक्वल है दोनों के लिए एफ वन फ्ली ओवर टू एल के इक्वल है या मेरा एक सवाल आपसे है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो क्या जो स्टेशनरी वेव एयर कॉलम में प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो क्या जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उन स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा इसका आंसर होगा आएगा उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है पाइप के अंदर पाइप में प्रेजेंट है एयर और हमारे पास टेम्परेचर चेंज जब होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आएगा और जब स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आएगा तो इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जब स्पीड ऑफ़ साउंड की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी तो याद रखिएगा कि एयर कॉलम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है टेम्परेचर का तो टम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था ये कल हमने पढ़ा था तो ये फ़ायदा है स्पीड ऑफ साउंड की डिपेंडेंस के पढ़ने का क्योंकि वो यहां पर यूज़ होनी है तो अगर स्पीड ऑफ़ साउंड का ताल्लुक टम्परेचर से डायरेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्पीड ऑफ साउंड से क्या है डायरेक्ट है तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा वार्म एयर प्रेजेंट होगी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी और जितनी स्पीड ऑफ साउंड हो ज्यादा होगी उतनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी वो ज्यादा होगी तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि एयर कॉलम चाहे क्लोज पाइप है ओपन पाइप है उसमें टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आएगा और स्पीड ऑफ साउंड हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी सेम गोज फॉर ह्यूमिडिटी अगर हमारे पास वेट एयर प्रेजेंट हो तो वेट एयर की वजह से डेंसिटी क्या होएगी कम और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होएगी ज्यादा और स्पीड ऑफ साउंड अगर ज्यादा तो तब भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ने चेंज हो जाना है नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है स्टेशनरी वेव इन अ एयर कॉलम विद वन एंड ओपन अब वन एंड ओपन हमारे पास एयर कॉलम है और आप लोग वन एंड ओपन एयर कॉलम के कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने सराउंडिंग में देखते हैं शहनाई जो है वो आपके पास एयर कॉलम है विद वन एंड ओपन जो आपके पास फ्लूट है बांसुरी है सॉरी बांसुरी जो है वो भी क्या है वो वन एंड ओपन है अब दूसरा एंड उसका क्लोज कैसे है क्योंकि वो आपके माउथ में होता है और वहां से आप एयर को ब्लो करते हैं तो दूसरा एंड आपके पास क्लोज होगा एक एंड क्या होगा वो ओपन होगा तो क्लोज एंड हमारे मुंह में होता है और ओपन एंड दूसरा साइड का होता है तो बांसुरी शेनाई ये दोनों वन एंड ओपन के एग्जाम्पल्स हैं और वन एंड ओपन के अंदर भी हमारे पास सेम चीज़ जैसे हमने वहाँ बात की थी कि रिफ्लेक्शन और सुपर पोजिशन की वजह से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर भी हमने ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक हारमोनिक प्रेजेंट नहीं होता जब साउंड प्रोपोगेट करेगा तो वहां पर तमाम हारमोनिक्स प्रेजेंट होंगे लेकिन तमाम की रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होती और ये आप लोग अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बात पता है कि जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वहां पर हम लाउड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चेंज करते थे हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम को चेंज करते थे कैसे पानी के लेवल को कम करके और पानी का लेवल जब कम करते थे तो हम फ्रीक्वेंसी को मैच करते थे कि एयर कॉलम की स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर देगी तो वो पर्टिकुलर जो हारमोनिक होगा वो रेजोनेट कर जाएगा और अगर वो दोनों इक्वल ना हो तो वो पर्टिकुलर हारमोनिक रेजोनेट नहीं करता इसका मतलब वहां पर तमाम हारमोनिक प्रेजेंट होते हैं लेकिन हर एक रेजोनेट क्यों नहीं करता क्योंकि हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से वो मैच नहीं कर पाता अब यहां थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास आ जाता है यहां पर एक एंड ओपन है इसका मतलब ओपन एंड पर हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा एंटी नोड और जो क्लोज एंड है वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा नोड तो जो यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ इस किस्म की होगी एक नोड और एक एंटी नोड एक नोड और एक एंटी नोड अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी उसमें कितने नोड होंगे और कितने एंटी नोड होंगे तो क्या आंसर होगा जो पहली स्टेशनरी वेव हुई उसको तो हमने नाम दे दिया कि वो क्या है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही नाम जो ऊपर लिखते आ रहे हैं वो क्या है वो है बेसिक टोन और इसके अलावा वो क्या है वो फर्स्ट है जिसको हम एफ वन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वेवलेंथ को लेमडा वन से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन जो नेक्स्ट स्टेशनरी वे प्रोड्यूस होगी उसमें कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स होंगे जी उसमें दो नोड्स होंगे और दो एंटी नोड्स होंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया बार बार कि हमेशा जितने नोड ऐड होंगे उतने एंटी नोड ऐड होंगे तो पहले केस में एक नोड और एक एंटी नोड था एक नोड एक एंटी नोड ऐड कर दें तो क्या होगा इस केस में अब दो नोड्स हो जाएंगे दो एंटी नोड्स हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी तीसरे में क्या होगा तीसरे में हमारे पास तीन हो जाएंगे एंटी नोड और तीन हो जाएंगे नोड तो नेक्स्ट आपके पास जो स्टेशनरी वेव होगी वो कुछ इस किस्म की प्रोड्यूस होगी अब इनके नाम क्या होते हैं पहले का तो नाम आ गया फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक क्यों कहते हैं इसको थर्ड हार्मोनिक और क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी वो फर्स्ट के टाइम्स होगी और थर्ड हारमोनिकारमोनिक का ओवरटोन का नाम क्या है इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट ओवरटोन क्योंकि ओवरटोन क्या है ओवरटोन इज द फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल तो फंडामेंटल के बाद आने वाली जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट ओवरटोन होगा तो इसको लिखा जाता है एफ थ्री और इसको लिखा जाता है लेमडा थ्री इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है फिफ्थ हार्मोनिक और ये अब नेक्स्ट ओवरटोन है इसको क्या बोलेंगे इसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे और यहां पर जो एन लिखा जाता है वो हार्मोनिक की बेस पे तो अगर ये फिफ्थ है तो f5 लिखेंगे और इसको लैम्डा क्या लिखेंगे लैम्डा 5 अब ये वजह आपको पता है कि क्यों ये f3 3f1 है अगर हमारे पास इस पाइप की जो लेंथ है वो l है तो ये लेंथ किसके इक्वल है ये आधे लूप के इक्वल है यानी के। तो अगर ये के इक्वल है तो में की तो वही है लेकिन अब किसके इक्वल है सबसे आसान तरीका आधे लूप काउंट कर लें आधा लूप होता है लेमडा बाय फोर तो कितने हाफ लूप्स हैं तीन हाफ लूप्स हैं एक हाफ लूप

अगर वेवलेंथ नेक्स्ट स्टेशनरी वेव के लिए वन थर्ड हो रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम्स होगी क्योंकि रिलेशन है वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी टाइम्स। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं अगर मैं नेक्स्ट को चेक करता हूं तो यहां पर देखें यहां कितने हाफ लूप्स हैं आधे लूप काउंट करें काउंट करना आसान है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो अगर ये पांच आधे लूप हैं तो लैमडा बाय फोर अब मल्टीप्लाई किससे होगा फाइव से तो यहां पर जो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो फोर एल बाय फाइव आएगी इसका मतलब हम कहेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी फाइव टाइम्स हो गई तो ये तो जो रीजन है ना कि नेक्स्ट स्टेशनी वेव थ्री टाइम्स है एफ वन के इस वजह से इसको थर्ड हार्मोनिक कहा जाता है यहां पर नेक्स्ट स्टेशनी वेव फाइव टाइम्स एफ वन के इक्वल है इस वजह से इसको फर्स्ट हारमोनी के मुकाबले में फिफ्थ हारमोनी कहा जाएगा और अब जब यहां मैं एफ वन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो अब वी के नीचे टू एल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा यहां फोर एल आएगा और फोर एल क्यों आएगा क्योंकि लेमडा वन की वैल्यू क्या है फोर एल तो लेमडा वन इज इक्वल टू फोर एल ओवर वन तो लेमडा थ्री क्या आएगा फोर एल बाय थ्री तो फाइव क्या आएगा फोर एल बाय फाइव यहां पर सबसे ज्यादा गलती के चांसेस होते हैं ओपन पाइप के अंदर कि ओपन पाइप में जब हमें कहा जाता है सेकंड ओवर टून तो सेकंड ओवर टून का मतलब क्या होगा सेकंड ओवर टून का मतलब होगा कि आपने एफ फाइव कैलकुलेट करना है तो यह ख्याल रखना है कि फर्स्ट ओवर टून जो हमारे पास है फर्स्ट ओवर टून का मतलब होगा एफ थ्री सेकेंड ओवरटोन का मतलब होगा एफ फाइव अभी शॉर्टकट बताता हूं जिसे अगर आपको हारमोनिक पता हो तो आप डायरेक्ट ओवरटोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो मैं करने के लिए, अब जब की बात करूंगा, तो का मतलब होगा एंथ ओवरटोन एक तरह से क्योंकि सीरीज तो रखेंगे हम लेकिन एंथ ओवरटोन किसके इक्वल है ये इक्वल है टू एन क्या लिखेंगे टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन चले आप लोग बताएं क्या टू एन प्लस वन हारमोनिक या टू एन माइनस वन हारमोनिक जैसे सेकंड ओवर टून था तो सेकंड ओवर टून टू इंटू टू प्लस वन करने से फाइव आया टू इंटू टू माइनस वन करने से फाइव आया बिल्कुल प्लस करने से आएगा और ऊपर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो हारमोनिक था वो क्या था फिफ्थ तो यहां पर फाइव कैसे आएगा जब हमारे पास एंथ यहां टू पुट करें तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फिफ्थ हारमोनिक तो जो हमारे पास सेकंड ओवरटोन होगा वो फिफ्थ हारमोनिक के इक्वल आएगा जो सेकंड ओवरटोन होगा वो फिफ्थ हारमोनिक इक्वल आएगा इसी तरह से अगर थर्ड ओवरटोन होता तो थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन वो सेवन होता। अगर यहां फोर्थ ओवरटोन होता तो वो नाइन्थ हारमोनिक इक्वल आता तो मतलब अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और हारमोनिक के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि एन ओवरटोन कौन सा हारमोनिक है तो एफ एन अब भी एन एफ वन के इक्वल है लेमडा एन अब भी लेमडा वन ओवर एन के इक्वल है फर्क बस इतना है कि यहां पर एफ वन की वैल्यू क्या है वी ओवर फोर एल और इसी तरह से यहां लेमडा वन की वैल्यू क्या है फोर एल अब एन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे अब एन के बारे में आप लोग यह कहेंगे कि हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो कौन से नंबर है वो सिर्फ इंटीजर्स हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड ऑन और ये पॉइंट अगर किसी को भी डाउटफुल है तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहां बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए एग्जाम्पल ये है ऊपर वाली एग्जाम्पल को यह मैं यहां पर जस्टिफाई करता हूं ये वाली पॉइंट को कि मेरे पास अगर ये सेकेंड ओवर है तो ये कौन सा हारमोनिक है मैं यहां पर इस टू की वैल्यू को यहां पुट करूंगा टू इंटू टू प्लस वन हारमोनिक तो टू इंटू टू प्लस वन ये क्या आ जाएगा ये फिफ्थ हारमोनिक तो कई दफा हमें हार्मोनिक लिखने के क्लोज पाइप के अंदर फाइंड करने को कहता है जैसे अगर मैं आप कहूं आपने टेंथ ओवर टून कैलकुलेट करना है, तो टेंथ ओवर टून कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा आप f के साथ यहां पर कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे जिसको आप f1 से मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाई करें फार्मूला अगर ये टेंथ ओवर टून है इसको टू से मल्टीप्लाई करें तो टेन इन टू टू ट्वेंटी प्लस टून है ठीक है तो ये ख्याल रखना है और ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया कि जो क्लोज पाइप होता है वहां पर सिर्फ कौन से हार्मोनिक होते हैं वहां सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं तो किसमें हारमोनिक्स कम होते हैं और किसमें पाइप के अंदर पाइप में हारमोनिक ज्यादा होते हैं क्या क्लोज पाइप में हारमोनिक ज्यादा होते हैं या ओपन पाइप में हारमोनिक्स ज्यादा होते, होते हैं बिल्कुल ओपन पाइप के जो हारमोनिक्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज और क्यों क्योंकि ओपन पाइप में इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं क्लोज के अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं इस वजह से जो हमारा फ्लूट होता है जो दोनों एंड से ओपन होगा उसकी आवाज स्वीट होगी वहां फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा होगी एज़ कंपेयर टू बांसुरी जो एक एंड से ओपन और एक एंड से क्या है क्लोज है अब हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें जो बात मैंने शुरू में कही थी तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में कंक्लूड कर सकते हैं और अगर आपको वो टेबल याद हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है तो क्योंकि टेबल आप लोग मैं आपको कहूंगा कि आप लोग खुद बनाए टेबल वाला काम आपका मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अब रिवाइज करवा देता हूं ओवरऑल टॉपिक टेबल वाला काम आप लोग खुद करेंगे तीन स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन हमने पढ़ी स्ट्रिंग एयर कॉलम विथ बोथ हैंड ओपन एंड एयर कॉलम विथ वन हैंड ओपन जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसके फिक्स हैंड्स एंड साइडों पे वहां पर एंटी नोड प्रोड्यूस होगा नोड प्रोड्यूस होगा पाइप दोनों एंड्स फ्री एंटी नोड प्रोड्यूस होगा और यहां पर एक एंटी नोड और एक नोड प्रोड्यूस होगा इस के अकॉर्डिंगली हमारी पूरी सीरीज बनती है एन थार्मोनी की बात करें तो यहां पर एफ एन एन एफ वन के इक्वल होगा और एफ वन वी ओवर टू एल के इक्वल है सिमिलरली जो पाइप दोनों एंड से ओपन है उसका फार्मूला भी सेम होगा फर्क इतना है कि यहां पर जो वेलोसिटी के फार्मूलाज हैं बस वो सेम नहीं है और क्यों सेम नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है उस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं या ट्रांसवर्स नॉन प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती हैं जबकि पाइप के अंदर आपके पास लॉन्गी स्टेशनरी वेव्स या लॉन्गी नॉन प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती हैं और मैंने आपको बताया था कल स्टार्ट में कि ट्रांसफर वेव की स्पीड का फार्मूला और लॉन्गिट्यूड की स्पीड का फार्मूला सेम नहीं होता इसका फार्मूला डिफरेंट है दोनों से इसमें लिखने की हद तक तो एन एफ वन ही है लेकिन यहां पर एफ वन वी फोर एल के इक्वल है ये हो गया पहला बेस फार्मूला जो आपको याद रखना है साथ साथ ये भी याद रखना है इसमें एफ वन वी ओवर टू एल है इसमें भी एफ वन वी ओवर टू एल है लेकिन इसमें जो एफ वन है वो वी बाय फोर एल है तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ कि अगर हमारे पास दो पाइप हैं और दोनों पाइप की जो लेंथ है वो सेम है तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कहूँगा मैं कहूँगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप हैविंग बोथ हैंड ओपन इज डबल एज कंपेयर टू द पाइप हैविंग वन हैंड ओपन ये पॉइंट समझ आता है ये मैंने शॉर्टकट की फॉर्म में लिखा कि वो पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल होती है उस पाइप के मुकाबले में जिसका एक एंड ओपन है क्यों क्योंकि यहां पर डिवाइड किससे हो रहा टू एल से और यहां डिवाइड किससे हो रहा है फोर एल से तो अगर दोनों एंड से जो ओपन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड है तो जो एक एंड से क्लोज होगा उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसका हाफ होगी कई दफा ये क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में आता है तो अगर इसी चीज को आप रेशो की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि अगर दोनों की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की रेशो ली जाए एक वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है और एक वो पाइप जो एक एंड से ओपन है तो इसकी रेशो किसके इक्वल आएगी टू रेशो वन की इक्वल आएगी तो ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यू डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि रेशो क्या है तो वो टू रेशो वन है नेक्स्ट वेवलडा एन स्ट्रिंग का क्या होता है लेमडा वन ओवर एन जिसको आप टू एल ओवर एन लिखते हो और यहां से ये पता चला कि हमारे पास जो लेमडा वन की वैल्यू होगी इसकी वो टू एल होगी सेम केस यहां पर भी है यहां भी लेमडा एन लेमडा वन ओवर एन के इक्वल है और ये भी टू एल ओवर एन लिखा जाएगा और यहां भी लेमडा वन टू एल के इक्वल है लेकिन इस केस में देखने की हद तक तो फार्मूला लेमडा वन ओवर एन है लेकिन यहां लेमडा वन किसके इक्वल है फोर एल के और लेमडा वन की वैल्यू फोर एल और यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया था आप यहां पर वेवलेंथ को भी कंपेयर कर सकते हो कि दोनों की जो फंडामेंटल वेवलेंथ है उसका क्या कंपैरिजन है अब उसका कंपैरिजन क्या बनेगा उसका कंपैरिजन अब यू बनेगा कि फंडामेंटल वेवलेंथ ऑफ द वे पाइप हैविंग बोथ हैंड ओपन इज हाफ क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डबल तो वेवलेंथ क्या है हाफ ऑफ द पाइप हैविंग वन एंड ओपन और यहां से अब आप रेशो लिखो बजाय फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ तो पाइप हैविंग बोथ एंड ओपन डिवाइड बाय पाइप हैविंग वन एंड ओपन तो अब आपका आंसर उल्टा हो जाएगा वन रेशो टू आएगा नेक्स्ट पॉइंट एन की वैल्यू स्ट्रिंग के केस में और पाइप जो दो एंड से ओपन है दोनों केसेस में एन की वैल्यू आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड so लेकिन जब पाइप एक एंड से क्लोज हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर्स हैं, तो इन दोनों के अंदर तमाम तरह के हारमोनिक्स फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा होगी लार्ज रेंज फ्रीक्वेंसी, तमाम हारमोनिक्स का मतलब यह है एफ वन टू एफ वन जो सीरीज बनेगी यू बनेगी एफ वन टू एफ वन थ्री एफ वन फोर एफ वन एंड सो ऑन लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑड हारमोनिक्स प्रेजेंट होंगे यानी फ्रीक्वेंसी की रेंज कम होगी और इसकी सीरीज क्या बनेगी एफ वन थ्री एफ वन फाइव एफ वन सेवन एफ वन एंड सो ऑन. तो ये ओवरऑल पूरे टॉपिक को आपने कंक्लूड किया और आपको सिर्फ अगर ये बेसिक फार्मूलाज पता है इनके कंपैरिजन पता है तो आप स्टेशनरी वेव का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनमें कोई मसला आपको नहीं होगा अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है अब एक तो क्वेश्चंस करते हैं इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते अगर आपको ये फॉर्मुलाज पता है अगर फार्मूलाज नहीं पता तो फिर आपको स्टेशनरी वेव के क्वेश्चन जो होंगे वो मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं स्ट्रेच स्ट्रिंग से रिलेटेड पहले स्ट्रिंग के, के अंदर मैं आपको ये कह देता हूं कि जो टेंथ हारमोनिक है उसकी वैल्यू वन थाउजेंड है तो ये बताएं कि सेवंथ हारमोनिक की वैल्यू क्या आएगी नेक्स्ट क्लोज ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर आपके पास जो इलेवेंथ हारमोनिक है उसकी वैल्यू 99 हर्ज़ है आपने ये बताना है कि हमारे पास एक तो फर्स्ट हार्मोनिक उसकी वैल्यू क्या होगी और उसके अलावा जो हमारे पास फिफ्थ ओवर टून होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी और इवन ये रेशो की फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इलेवेंथ ओवर सेवनटीन हारमोनिक की रेशियो क्या होगी ये पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल है सेवन हंड्रेड बिल्कुल सेवन हंड्रेड हमारा आंसर आएगा इसको आप यूं सॉल्व कर सकते हैं एफ टेन जो है वो टेन एफ वन के इक्वल है तो एफ सेवन किसके इक्वल है वो सेवन एफ वन के इक्वल है दोनों को डिवाइड कर दें तो F7। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा F7 सेवन डिवाइड बाय एफ टेन एफ वन एफ वन से कैंसल हो जाएगा सेवन ओवर टेन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एफ सेवन इज सेवन ओवर टेन इन टू एफ टेन आसान सी कैलकुलेशन है जो वैल्यू हो वो यहां पुट करेंगे सेवन हंड्रेड हर्ट आपका आंसर आ गया बजाय इसके एफ वन कैलकुलेट करें आप रेशो से लेकर सोल्व कर लें नेक्स्ट हारमोनिक दिया और फर्स्ट हारमोनिक और फिफ्थ की वैल्यू पूछी अब इसमें क्या है इलेवंथ हारमोनिक का मतलब क्या होगा इलेवंथ हारमोनिक का मतलब होगा कि आपको F11 ही गिवन है एफ तो इलेवन क्या होगा इलेवन टाइम्स एफ वन के इक्वल होगा तो यहां से आपके पास जो फर्स्ट हारमोनिक है एफ वन उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ इलेवन ओवर इलेवन तो नाइनटी नाइन ओवर इलेवन या आपके पास आ गया नाइन हर्ट्स अब आपको चाहिए फिफ्थ ओवर टून अब फिफ्थ ओवर टून कौन सा हारमोनिक होता है पहले तो यह चेक करें तो क्या शॉर्टकट था टू एन प्लस वन टू इन फाइव प्लस वन तो, तो यह क्या आएगा टू इंटू फाइव प्लस वन या आपके पास इलेवन हारमोनिक ही आएगा और 11th हार्मोनिक ऊपर गिवन है और वो कितना है 99 हर्ट्स तो सिंपल आई है, है तो ये चीज आपको पता हो कि हार्मोनिक ओवरटोन आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ख्याल रखना है कि पाइप ओपन है क्लोज है मिक्स नहीं करना अगर मिक्स नहीं करेंगे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता तो ऐसे क्वेश्चंस आए इनकी प्रैक्टिस कर कर लीजिएगा एक बुक का क्वेश्चन है उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें स्ट्रेच स्ट्रिंग है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेट से 300 हंड्रेड है दो केसेस के साथ आपने सॉल्व करना पहला इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज टू थ्री टाइम्स और बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी और दूसरा केस इफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग डिक्रीज बाय वन हाफ तो तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है वन ओवर टू एल अंडर रूट टेंशन ओवर लीनियर मैस डेंसिटी पहला केस था कि इफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्रीज टू नॉट इंक्रीज बाय इंक्रीज टू थ्री टाइम्स इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारे पास जो लेंथ है वो तीन गुना ज्यादा हो गई है अगर इंक्रीज बाय होता तो फिर होती एल प्लस थ्री एल अब पहले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा मैं एल की जगह सिंपली थ्री पुट कर दूंगा जब एल की जगह पुट करूंगा बाकी सब कुछ तो वही फॉर्मूला है लिखा जाएगा ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300। तो 300 थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री हंड्रेड हर्ज आपका आंसर आ जाएगा दूसरा केस दूसरे केस में मैंने आपको यह कहा है कि जो टेंशन है ड्रीज बाय वन हाफ अब यह बाय वाला क्वेश्चन है तो दोनों को मिक्स आपने नहीं करना अब यह है टेंशन इन अस्ट्रिंग डिक्रीज बाय वन हाफ इसका मतलब जो टेंशन हमारे पास एफ वो पहले अगर एफ थी तो अब उसमें से हाफ कम हो गया तो हाफ कम होने का मतलब है अब कितनी रह गई हाफ रह गई बिल्कुल कैफ फोर मीटर हो जाती फिर तो यहां पर एफ वन डैश इक्वल होगा वन ओवर टू एल अंडर उ एफ डैश की जगह क्या लिख देंगे एफ ओवर टू अब क्या है पूरे फार्मूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये टू का वेरिएबल डिफरेंट है और इसके ऊपर अंडर रूट है इसको वन ओवर अंडर रूट टू लिख दें अदा करके और बाकी फार्मूला वही है वन ओवर टू वेल अंडर रूट एफ ओवर एम डॉट तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है फंडामेंटल तो आपका आंसर आ गया एफ वन ओवर अंडर रूट टू तो एफ वन कितना है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ओवर अंडर रूट टू आपका आंसर है साथ यूनिट क्या होगा हर्ट्स और अगर अंडर रूट टू को सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट की वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड तो को वन पॉइंट फोर से डिवाइड कर दें आपका आंसर आ जाएगा और ये सेम क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है परसेंटेज इंक्रीज कि इफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्रीज बाय थ्री हंड्रेड परसेंट तो थ्री हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या है थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड तब भी थ्री आएगा ये आपके सामने 1 एंड ओपन का केस है 1 एंड ओपन के अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है उसमें f3 3f1 है जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसमें f5 5f1 है जो सेवंथ हार्मोनिक होगा f7 7f1 होगा जो नाइंथ हार्मोनिक होगा वो f9 9f1 होगा तो फिर जो 11थ हार्मोनिक होगा f11 वो 11f1 होगा तो 11th हार्मोनिक का मतलब 11f1 है लेकिन 11th ओवरटोन का मतलब 11f1 नहीं है आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो 11th हार्मोनिक मींस f11 11f1 जो वैल्यू यहां पर आप n की पुट करोगे वो यहां पर भी आप पुट करोगे ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप f11 लिखो तो वहां पर आप क्या लिख रहे होगे वो डिफरेंट पुट करोगे हार्मोनिक सिर्फ ऑड्स हैं ठीक है तो जो आप 21 लिख रहे हो 21 इस केस में नहीं आता ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी हारमोनिक लाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है और आप यहां पर इलेवन हार्मोनिक को काउंट करते हुए ऑड और इवन दोनों को काउंट कर रहे हो इस वजह से आप एफ इलेवन को ट्वेंटी वन लिख रहे हो और यही गलती है इसमें तो ये गलती नहीं करनी उसके तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे तभी ये जो डाउट आपका है ये क्लियर होगा